जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य विदेश यात्रा, पिता उच्च शिक्षा और धर्म का भाव है। इस भाव में केतु को कारकत्व मिल जाता है। केतु मोक्ष का कारक है और मोक्ष का कारक होकर बैठा है धर्म के भाव में। निस्संदेह जब केतु नवम भाव में बैठता है तो जातक धार्मिक होता है, धर्म कर्म के प्रति रुचि रखता है। अब उसकी पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, ये सूर्य की स्थिति और नवम भाव का स्वामी और नवम के कारक बृहस्पति पर भी निर्भर करता है। केतु जनरली यहां पर जल्द नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा जब तक कि केतु पाप प्रभाव में ना हो। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, आप लोग सोचेंगे कि राहु केतु तो दूसरे ग्रहों को पीड़ित करते हैं, तो क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जो राहु केतु को पीड़ित करता है? यकीनन है। मान लीजिए नवम भाव में राहु है, कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि का युति हो, मंगल की युति हो, या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की युति हो, या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो उस स्थिति में केतु पर नकारात्मक प्रभाव, केतु नवम भाव में नकारात्मक प्रभाव में आ जाएगा। तब इसके शुभ फल की संभावना बहुत कम, 10-20% ही रह जाती है, 80-90% नकारात्मक फल की संभावना बढ़ जाती है। नवम का कारक बृहस्पति मजबूत हो, नवम भाव का स्वामी मजबूत हो, साथ ही मंगल, क्योंकि केतु के फल को आपको समझना है तो सर्वप्रथम मंगल पर फोकस करना होगा। मंगल उस कुंडली के लिए कैसा है? यदि मंगल जन्म कुंडली में शुभ फलदायी होगा, केतु तब ही शुभ फल दे सकता है। यदि मंगल शुभ फलदायी न हो, हम न के बराबर ही कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर मंगल का किसी लग्न में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जिस लग्न में मंगल मारक होता है उन लोगों के शरीर में खून होता ही नहीं, या उन लोगों के शरीर में खून कम होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मैं मंगल किन लग्नों में कारक होता है इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मंगल उस कुंडली के लिए शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी, इस पर चर्चा कर रहा हूँ। नवम भाव में यदि बृहस्पति की दृष्टि में आ जाए केतु, तब यह ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं करता। यदि हम केतु का नकारात्मक फल की चर्चा करें पाप प्रभाव में, तो सूर्य के साथ योग बनाए और कहीं से शनि या मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो पिता का साया जल्द सिर पर से उठ जाता है। जातक को बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, इसकी पंचम दृष्टि लग्न पर रहेगी तो यह भी एक कारण बनती है बाल झड़ने से संबंधित समस्या। इसकी दृष्टि मेहनत के भाव पर रहेगी जहां पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान रहेंगे, तो राहु तीसरे भाव में विराजमान रहेगा तो वो तो शुभ फलदायी हुआ। केतु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, ये शिक्षा से मन को भटकाता है और संतान उत्पत्ति में बाधा, साथ ही प्रेम संबंधों में असफलता देता है। यहां पर केतु के साथ मान के चलिए कि शनि योग बना रहा है, शनि की राशि में ही शनि के साथ केतु योग बना रहा हो सकता है मंगल की राशि उच्च राशि में मंगल के साथ ही योग बना रहा हो, तो योग कैसा है उसके साथ? हर समय युति अथवा दृष्टि नकारात्मक नहीं होता। शनि मंगल की दृष्टि भी, सूर्य की दृष्टि भी कई स्थितियों में शुभ फलदायी हो जाता है यदि शनि और मंगल उस कुंडली के लिए योग कारक हो तो। ध्यान रखिए कि केतु यहाँ पर नवम भाव में ज्यादा हद तक अगर पाप प्रभाव में आए तभी धर्म के विरुद्ध आचरण कराएगा, अन्यथा ये जल्द नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। ग्रह के फल को समझने से पूर्व उस ग्रह का शुभ या अशुभ फल क्या ज्यादा संभावना बन रही है, इसको देखने के बाद ही आप किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं।